ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 28 अगस्त 1968। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक बच्चे जानते हैं कि हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। जो नहीं जानते हैं वो हमारे बच्चे नहीं है कि वो एक ही हमारा बाबा है, वो ही हमारा टीचर है और वो ही हमारा अंतिम पाठधारी सदगुरु है। बाबा जानते हैं, ये जानते हुए भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहां जो बैठे हैं ये जानते तो हैं परंतु फिर भी भूल जाते हैं, और दुनिया वाले तो बिल्कुल ये जानते ही नहीं हैं। कि बाप, टीचर और सदगुरु एक ही पर्सनालिटी में आया हुआ है और बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु है। बाप कहते हैं सिर्फ ये तीन अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कौन से तीन शब्द? बाप, टीचर और सदगुरु, वो भी बेहद के प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं, तो कोई भी आवे उनको समझाना चाहिए। जिसको भगवान कहा जाता है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ये याद पक्की हो तो भी ठीक है, फिर और कोई की याद ना आए, क्योंकि और कोई को तो ऐसे कह भी नहीं सकते हैं कि वो हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद का टीचर भी है और बेहद का सदगुरु है। सदगुरु तो एक ही होता है। तुम जानते हो ये बात कितनी सहज है, परंतु कोई की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये तीन शब्द भी धारण नहीं हो सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, आते ही हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, क्योंकि वो बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे और उनका बेहद का वर्षा है ही मनुष्य से देवता बनाने का। देवताओं के पास ही बेहद स्वर्ग का वर्षा होता है। सिर्फ इतना याद करें तो घर में बैठे भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु ये बात भूल जाने के कारण किसको भी बता ही नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कल्प के भूले हुए हैं ना। अभी संगम युग में बाप बैठ समझाते हैं,
वास्तव में इस ज्ञान को बहुत सहज कहा जाता है, सहज राजयोग। बाकी आदि की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पति तो पावन बाप है ना। सिर्फ कहते हैं कि सभी को ये कहो कि मुझे याद करो, जबकि मैं पति तो पावन हूं तो जरूर मैं सभी को पति से पावन बनाऊंगा। सिर्फ ज्ञान सुनाकर थोड़े ही बैठ जाऊंगा। ये तो बूढ़ा तन है, यह जावेंगे तो वो भी चला जाएगा। इनके सिवाय और कहां भटकता रहेगा, किनके सिवाय? राम और कृष्ण की आत्मा को सिवाय कहां भटकता रहेगा, क्योंकि फिर कायदे अनुसार ज्ञान चल नहीं सकता। कब? अगर हीरो हीरोइन पार्टधारी ही न हो तो ज्ञान कायदे अनुसार नहीं चल सके। तो कहते हैं उनको तो ब्रह्मा द्वारा ही देना है। बहुत बच्चे समझते हैं मम्मा भी चली गई तो बाबा को भी जाने में कोई देरी थोड़े ही है। अरे ये चला जाएगा तो फिर बाबा समझाने कैसे देंगे? कौन चला जाएगा? ब्रह्मा चला जाएगा तो फिर शिव बाबा जो बेहद का टीचर है वो समझाने कैसे देगा और किसको देगा? क्योंकि समझाने का काम तो शिव बाबा का है, परंतु समझाने देते हैं उसको जो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा बाबा। फिर तुम किसके पास आवेंगे? और बाबा भी किस में आवेंगे? क्या दादी में आवेंगे? वो और कोई है जिसमें आवेंगे? उनके लिए तो एक ही ब्रह्मा है, जिसके तन में आते हैं। जिसके नहीं, तिनके, जिनके एक ही ब्रह्मा है, जिनके तन में आते हैं। और ये चला जाए तो किसके पास आवेंगे? तो 68 में चला गया ब्रह्मा, तो फिर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हैं? आना चाहिए। फिर कैसे आवेगा? वो तो चला गया है ना। जिसके तन में प्रवेश करेंगे उसका नाम ही ब्रह्मा रखना पड़े। फिर एक ब्रह्मा की तो बात नहीं रही। वही ब्रह्मा कोई न कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है, और जिस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है वो बच्चा भी
अधूरा सरेंडर होता है या फुल सरेंडर? तो जब तन सरेंडर होता है तो तन किसका हो गया है? ब्रह्मा का हो गया। ऐसे ऐसे ख्यालात भी बच्चों को नहीं करना चाहिए कि ये ब्रह्मा चला जाएगा। ऐसे ख्यालात बहुतों को आते हैं, फिर बाप कैसे पढ़ावेंगे? ड्रामा को भी समझना है। ऐसी ख्यालात होनी नहीं चाहिए। हाँ, समझने की बात है, ख्यालात तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ख्यालात आते तो है ना, कि बूढ़ा तन है, और बूढ़ा तन भी माँ के रूप में बताते हैं। ये कोई बाप टीचर सदगुरु का रूप तो नहीं है। बाबा तो कहते हैं एक ही पर्सनालिटी, बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो कहते हैं कि ये समझने की बातें हैं, और बाप ही आकर के ब्रह्मा के तन में समझाते हैं टीचर बन करके। बाकी तो सभी भाई बहने हैं, इतना सहज है तो भी कोई पत्थर बुद्धि ऐसे है जो कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल ही बर्थनाट्य पहनी है, कोई काम के नहीं, देखने लायक भी नहीं है। शिव बाबा ऐसे बच्चों को देख करके क्या करेंगे? आगे चलकर तुम्हारी भी ऐसे बच्चों में आंख नहीं डूबेगी। माना अभी तो डूबती है, जो दास दासी बनने वाले हैं उनका मुंह क्या देखेंगे? साहब को निश्चय हो जाएगा कौन कौन क्या क्या बनेंगे। बाबा तो सभी बताई देते हैं। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठाते हैं तो ये पदम फिर क्या पावेंगे? और पद्मा पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं ना। सर्विस ही कदम पर पदम ले आती है। सर्विस के लिए देखो बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाते जाते हैं, तो पद्मा पदम तो उन्हें मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है कि ब्रह्मा कुमारियों द्वारा बनाएंगे और बनेंगे भी। शूद्र को ब्राह्मण तो बनाना पड़े ना, और ब्राह्मण ही न बनाया तो फिर क्या बनेंगे? तो ब्राह्मण बनाने के लिए भी सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि और बच्चों को टेम्पटेशन हो जावे, क्योंकि सर्विस से ही पदम मिलते हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं कि बेहद का बाप भी है, परंतु उस बेहद के बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कह देते हैं, बहुत तो समझते हैं बिंदी है, निराकार है।
वो टीचर भी आकर बनता है, ये तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। तो जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं अर्जा नहीं, तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो तो समझ सकते हो। इतना तो जरूर जानेंगे कि हम भाई भाई हैं और हमारा बाप बेहद का बाप है। बेहद अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, सभी आत्माओं का बाप। और बाप आते ही एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। परंतु अंधे लोग तो कुछ भी नहीं समझते हैं। ईश्वर अगर कभी नहीं आया होता तो फिर उनको बुलाते क्यों रहते हैं कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं। 28-68 की वाणी का दूसरा पेज, वहां तीर्थों पर बैठा है क्या? शास्त्रों में भगवान रखा हुआ है क्या? कोई जानता नहीं है तो प्रश्न कैसे पूछे। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो फिर गंगा स्नान आदि से तो कोई पावन कैसे हो सकता है। और पुनर्जन्म तो जरूर यहां पर ही लेना है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में फर्क तो होता है ना। पुरानी दुनिया में मरेंगे तो पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन में ही शरीर छोड़ना पड़े। अंत मते सो गते, पुरानी दुनिया में ही जन्म मिलेगा। नई दुनिया है कहां? तो जो देवता बने, किसको सतयुग नहीं कहेंगे, ये तो झूठ खंड है। हर मनुष्य आत्मा कुछ न कुछ झूठ बोलती रहती है। तो इस कलयुग में फिर स्वर्ग कहां से आया? स्वर्ग में तो सब स्वाभिमानी होते हैं, स्वचिंतन वाले होते हैं, आत्मिक स्थिति वाले होते हैं। यहां तो सब देहाभिमानी है। इन मनुष्यों की तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। जहां पर भी थोड़ा सुख देखते हैं तो समझ लेते हैं यहां तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अमेरिका में जावेंगे समझेंगे यहां तो स्वर्ग बन गया, बिल्कुल ही जैसे जट बन पड़े हैं। यहां तो बाप समझाते हैं समझाने का ही काम है। बाप कोई को गाली तो नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सभी की सदगति भी करते हैं। और भगवान बाप है तो जरूर बाप से कुछ मिलना चाहिए ना। बाबा अक्षर ही ऐसा है जो कि उससे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भले कितने भी काका मामा चाचा आदि हो परंतु उन सब संबंधियों से वर्षे की खुशबू नहीं आ सकती। तो इन बातों को अंतर्मुख होकर के समझना है कि बाप ठीक तो कहते हैं ना, और गुरु के पास तो कोई जायदाद होती ही नहीं है।
वो दुनिया भी गुरु लोग तो खुद ही घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। दुनिया को समझते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठ की दुनिया में पैदा होते हैं तो उनको सदगुरु कैसे कहेंगे? उनके पास बाकी क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। बल कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अपने को सदगुरु समझ लेते हैं। तुम तो ऐसे नहीं कहते हो कि हम घर बार छोड़ते हैं। तुमने तो सन्यासियों का विकारों का सन्यास किया है। वो तो कह देते हमने घर बार छोड़ा है। अगर यहां भी कोई ऐसे हैं जिनके मुंह से बार बार ये निकलता है कि हमने घर बार छोड़ा है, हमने बड़ा भारी त्याग किया है, तो सन्यासियों की लिस्ट में आने वाले हैं या गृहस्थी की लिस्ट में आने वाले हैं? वो भी सन्यासियों की शूटिंग कर रहे हैं। तुम तो कहते हो हम तो सारी पुरानी दुनिया का विकारों का सब सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाने के लिए कितना सहज रास्ता है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी दुनिया, सारी तमो प्रधान सृष्टि का। बुद्धि से सन्यास करने की बात है। सतयुग तो है ही नई दुनिया। ये भी जानते हो जो पहले दुनिया जरूर थी। सभी गाते हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु वो लोग तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। उस पैराडाइज उस स्वर्ग की समझ तो कुछ भी नहीं है कि क्या होता है, कब हुआ था। अभी बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो कि बाबा हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है और सभी को ले जाने वाला है। अक्षर ही है मनमना भव। मेरे मन में समा जा अर्थात कहने वाला निराकार है तो जरूर सबको निराकार बनाकर निराकारी दुनिया में ले जाएगा। इस मना मन मना भावाक्षर में सभी कुछ आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद आता रहता है। नहीं तो रोज लिख करके दो कितना समय हम किस अवस्था में बैठे। बाप टीचर सदगुरु समझते हो तो वो ही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट्स को टीचर ही याद आवेगा, परंतु यहां तो माया आ जाती है, एकदम माथा मोड़ लेती है, सारा राज भाग ले जाती है और तुमको पता भी नहीं पड़ता है कि हम आए थे वर्षा लेने, परंतु यहां तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे क्यों कहेंगे? कहेंगे तो कि बल स्वर्ग में जावेंगे, परंतु बाबा कहते हैं ये स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में तो प्रजा वर्ग भी जाएगा। प्रजा बनने के लिए तो सिर्फ संदेश लेना होता है। प्रजा बनने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे।
यहाँ आए और फिर पढ़े नहीं, वो भी स्वर्ग में तो जावेंगे ना। यहाँ पर ऐसे बहुत बैठे तो है ना, समझते हैं कि चलो स्वर्ग में ही आ जावेंगे, फिर बल क्या भी बने। तो बाबा कहते हैं इनकी पढ़ाई तो नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना है तो उसका फल तो मिल जाता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप आया हुआ है ऊंचे से ऊंच, तो उससे ऊंचा वर्षा पाना चाहिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्कर भी याद आ जाएगा। भले यहां बैठे हैं तो भी सभी कुछ याद आना चाहिए, परंतु ये बातें बुद्धि में आती ही नहीं है। अगर याद आ जावे तो जरूर किसी को सुनावे। चित्र तो सभी के पास है, और इस शिव के चित्र पर तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। कोई को सुनावेंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, आओ तो हम आपको बतावें कि ये शिव तो बेहद का बाप है, अगर नहीं है तो ये कौन है, इनके साथ क्या संबंध है। और संबंध साकार में होता है या निराकार के साथ होता है। यूं ही फालतू तो चित्र नहीं लगा दिया है, चित्र तो साकार का ही बनाया जाता है, निराकार तो विचित्र है, उसका तो चित्र खींचा भी नहीं जा सकता। तो शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है, और भगवान निराकारी स्टेज वाला ही होता है। उनको बेहद का बाप कहा जाता है। सर्व मनुष्य मात्र का तो बाप है ही, उसमें आत्माओं का बाप आया हुआ है, जिसको सात धर्म पिताएं मानते हैं, इसलिए वो बापों का भी बाप है। वो सबको शिक्षा देती है, हमारी आत्मा भी शिक्षा लेती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है, टीचर भी आत्मा ही बनती है, और ये वेद का बाप भी ये रथ लेकर के पढ़ाते आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग का नाम निशान गुम हो जाएगा, फिर कलयुगी मनुष्य आवेंगे कहां से। सर्वसेवल बच्चों को तो सारा दिन ख्याल आज चलाते रहना है, अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मनन चिंतन मंथन में बुद्धि भी नहीं चलती है। जैसे कि सदैव बुद्ध हो करके बैठे रहते हैं, बाप को भी नहीं समझ सकते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि पतित पावन बाप को ही याद करने से वर्षा मिलेगा। उस बाप को याद करते मर्त करते करते मरेंगे तो बाप की मिल्कियत सारी ही मिल जाएगी। अंतमते सुगते हो जाएगी, और बाप की मिल्कियत तो है ही स्वर्ग।
बैज भी बच्चों के पास है, घर में मित्र आदि आते तो बहुत रहते हैं, कोई मरता है तो भी आते रहते हैं, उनकी भी तुम बच्चे सर्विस कर सकते हो। ये शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, बल बड़ा ही रखो। इस चित्र पर कोई भी कुछ कहेगा नहीं, किस चित्र पर कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन से चित्र पर नहीं कहेगा? ये 32 किरणों वाला जो चित्र बनाया हुआ है उसमें समझाना पड़े कि इसमें जो ज्योति बिंदु है वो जन्म मरण से चक्र से निराकार, जन्म मरण के चक्र से निरस्त रहने वाली जो आत्मा है सुप्रीम सोल, उसका ये बिंदु यादगार रखा हुआ है और ये बिंदु लिंग में रखा हुआ है, अर्थात निराकारी स्टेज धारण करने वाले स्वरूप की यादगार है। इसको जैसे कि हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां है ही नहीं, आंखें होते हुए भी जैसे कि पतित सृष्टि को देखता ही नहीं है, जिन बच्चों को देखता है उनके पावन स्वरूप को देखता है, उनके तमो प्रधान वर्तमान स्वरूप को नहीं देखता है। तो इस चित्र को देख करके कोई कुछ भी कहेगा नहीं, तुम बतावेंगे ऐसे नहीं कि हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, परंतु चित्रकार ने ये चित्रकारी करके दिखाया है कि हाथ पांव नाक आंख कान होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी, जैसे कि उन इंद्रियों को योग बल से निरस्त किए बैठा है, तो जरूर कहेंगे कि ये चित्र तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है, ये गुप्त है और तुम भी गुप्त में ही समझा सकते हो, और ये शिव का ही चित्र है, इसी को रखो और सभी चित्र छिपाए दो। 28-68 की वाणी का तीसरा पेज समझाओ कि ये शिव बाबा ही बाप टीचर सदगुरु है। शिव इनकी आत्मा का ही नाम है जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप में है, और बाबा तो साकार को कहा जाता है, ग्रैंडफादर को कहा जाता है अथवा बूढ़े को कहा जाता है, परंतु ये एक ही पर्सनालिटी है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और ये आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुना करके चले जाते हैं, ये इनका मकसद है नहीं। क्या मकसद है? सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं और अपने समय पर ही आते हैं। कौन सा समय होता है इनके आने का? इनका समय वो ही होता है जब सारी आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतर आती हैं। मनुष्य आत्माओं की बात है, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वालों को कहा जाता है, बाकी तो 700 करोड़ मनुष्य भी है, परंतु वो आत्माएं तो जैसे
कीड़े मकोड़े मिसले जो आए और गए। तो जो मनुष्य मात्र है इस सृष्टि पर आने के बाद चौथी तमो प्रधान अवस्था में होते हैं, तब ही मैं आता हूं। कहें द्वापर के अंत में क्यों नहीं आते? तो द्वापर के अंत में तो फिर बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो परमधाम से सतो प्रधान स्टेज में उतरेंगी और सात्विक पार्ट बजावेंगी। उस समय बाप को आने की दरकार नहीं है, बाप तो आते ही तब है जब सबको ये आस छूट जाती है कि अब इस दुनिया का उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है, तो अपने समय पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा ही हुआ है। बोलो, इस शिव बाबा को याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। शिव बाबा ही पतित पावन है। तो वो कहते हैं कि मेरे को ही याद करो। मेरे को ही याद करेंगे तो तुम मेरे से ही आकर के मिलेंगे, नहीं तो जिसको परसेंटेज में याद करेंगे उनको ही जाकर के मिलेंगे। तुम ये गुप्त में सर्विस कर सकते हो, बता सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण जिनकी संसार में या शास्त्रों में कोई भी ग्लानी नहीं है, ये भी इतने श्रेष्ठ इस नॉलेज से ही बने हैं। जो नॉलेज शिव बाबा आकर के देते हैं, वो कहेंगे कि शिव तो है निराकार, फिर वो कैसे आते हैं? बोलो, तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी तो ऊपर से ही आती है। सभी आत्माएं ऊपर से आती है, नहीं तो इस दुनिया की आबादी कैसे बढ़ती जाती है? सभी आते हैं पार्ट बजाने के लिए। आने के बाद वापस जाने का रास्ता सब भूल जाते हैं। तो बाप आकर के मुक्तिधाम का रास्ता बताते हैं, समझाते हैं कि मैं बैल पर तो नहीं आ सकता। जो मंदिरों में और चित्रों में तुमने बैल दिखाई दिए हैं, अरे बैल पर आऊंगा? बैल तो जानवर है, जानवर बोलेगा कैसे? कैसे बोलेगा हैं? क्या बोलेगा? अरे मनुष्यों की भाषा बोलेगा, फिर तुम समझोगे कैसे? ज्ञान सुनाने के लिए तो जरूर मनुष्य तन में आना पड़े, फिर शास्त्रों में और चित्रों में बैल क्यों दिखाया है? हैं? बैल, बैल वृत्ति का प्रतीक है। सृष्टि उत्पन्न करने का प्रतीक है। और साधारण बूढ़े तन में आते हैं, फिर आप ही
खुद ही पूछते पूछते मुझ पड़ेंगे। बच्चों को बात करने की बड़ी युक्तियां चाहिए, कोई कहे कि तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो आत्मा हैं, हमने जन्म जन्मांतर बहुत कुछ किया है और सभी कुछ करते हैं, भक्ति भी हम करते हैं, ज्ञान भी हम लेते हैं और बेहद के सन्यासी भी हम ही बनते हैं। तो युक्ति से चलना बोलना होता है, किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए कि क्या युक्ति रचे जो कोई भी हमसे ज्ञान सुनते समय नाराज न हो जावे। कोई को नाराज नहीं करना है, गृहस्थ में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो कि बाबा हमको सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो ये पानी का स्नान करने से क्या फायदा? ये पानी का स्नान करने से तो ये स्थूल कपड़े साफ होंगे, ये विनाशी कपड़े साफ होंगे, हद के कपड़े भी साफ होंगे और बेहद का शरीर रूपी वस्त्र भी इस पानी से साफ होगा, परंतु शरीर को चलाने वाली आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। क्या पानी में स्नान करने से तुम्हारी आत्मा पावन बन जावेगी? आत्मा तो मन बुद्धि को कहा जाता है, शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो सारी इंद्रियां तो मौजूद रहती हैं, शरीर भी मौजूद रहता है, फिर क्या चीज चली जाती है? बोलो ये मन बुद्धि की पावर ही आत्मा है। इस मन बुद्धि को ज्ञान से ही पावन बनाया जा सकता है। ये ज्ञान जल है, जैसे स्थूल जल से कपड़े साफ होते हैं, वैसे इस ज्ञान जल से आत्मा का मल साफ होता है। फिर जल से ही सब कुछ नहीं होगा, जल तो सिर्फ खाए हुए अन्न को पचाने का निमित्त है, ज्ञान जल मिलता है तो मन बुद्धि शुद्ध बनती है, शुद्ध बुद्धि परमात्मा बाप को पहचानती है, फिर बाप की याद से हमारी आत्मा पावन बनती है। बाकी सब पानी से पावन कोई नहीं बनेगा। बोलो कि तुम तो भगवान को कहते हो पतित पावन आओ, बुलाते हो ना कि आकर के हमको पावन बनाओ, फिर वो परमपिता परमात्मा पतित पावन है या ये पानी पतित पावन है? ऐसी नदियां तो दुनिया में बहुत हैं, बाप तो पतित पावन एक ही है और नदियां तो ढेर की ढेर हैं। ये सब पानी की नदियां हैं, पानी का मंथन करने से कोई भी सार नहीं निकलने वाला है। भगवान बाप तो अमृत रस देते हैं,
जिसे मंथन करने से सार निकलता है। ये पानी की नदियां तो सदैव ही है, और सदैव इनमें स्नान करते रहने से अगर कोई पावन बनता तो फिर भगवान को आने की क्या दरकार, फिर भगवान को बुलाते क्यों हैं? तो बोलो, बाप को तो पावन बनाने के लिए एक ही बार आना पड़ता है। जब सारी दुनिया कलयुग में पतितमो प्रधान बन जाती है तब आकर के सबको सतो प्रधान बनाते हैं, और आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, बताते हैं कि पुरुषों में अर्थात आत्माओं के बीच में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन सी हैं। जो माला के संगठन में आती है, इस संगठन रूपी माला को हर धर्म की मनुष्य आत्मा याद करती है, सिमरती है। वो माला भगवान ने ही आकर के बनाई है, माला संगठन को ही कहा जाता है। बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। वहां नई दुनिया में तो कोई भी पति तो होता ही नहीं है, उसका नाम ही है स्वर्ग। नई दुनिया स्वर्ग और पुरानी दुनिया नरक। स्वस्थिति से बनता है स्वर्ग और पर से बनता है नरक। पर है रावण, पर है प्रकृति, पर है माया, आत्मा है स्व, और आत्मा का बाप भी है स्व। इस संगम का भी तुम बच्चों को पता है। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते रहते हैं। बुद्धू भी नहीं बनो, नहीं तो शिव के मंदिर में बुद्धुओं की भी यादगार दिखाई जाती है। कौन है? हैं? कबूतर। ऐसे बुद्धू है कि शिव के मंदिर में रहते भी हैं और शिव के सर के ऊपर ही गंध करते रहते हैं, मुख से आवाज नहीं निकलती है। कैसी आवाज निकलती है? गुटर घूम करके अंदर ही अंदर घुमड़ती रहती है। ऐसी आवाज निकलती है जो कोई समझ भी नहीं सकता। तो बाप कहते हैं बुद्धू भी नहीं बनो, ऐसी कबूतर जैसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वहां पैरट्स भी होते हैं, उनको ज्ञान की कंठी होती है। मंदिर में भी देखे जाते हैं तो बाहर की दुनिया में भी उड़कर जाते हैं और ज्ञान की आवाज कर देते हैं। पैरट्स पढ़ते हैं और वो पैगाम भी पहुंचाते हैं। कबूतर पैगाम पहुंचाने वाले नहीं है, हां उनके गले में पैगाम बांधा जाता है, कहते हैं ना गले पड़ गया। गले पड़ गया अर्थात सेवा करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उनके गले में जैसे कि बांध दिया जाता है। क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस ज्ञान में आने वाले कंठी ज्ञान की धारण करने वाले जो पैरेट्स है वो तो शिव के मंदिर में थोड़े समय जाकर के ज्ञान लेते हैं, सुनते हैं और सारी दुनिया में ज्ञान की आवाज, बाप की आवाज फैलाए देते हैं। लेकिन जो वहां बैठ करके बाप के घर में गंध करने वाले कबूतर हैं, उनको उस एडवांस ज्ञान का मुकाबला करने के लिए जबरियन गले में जैसे घंट बांधा जाता है। ये जैसे कि गले पड़ गई सर्विस, गले पड़ना अर्थात इच्छा नहीं है लेकिन करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कबूतर भी होते हैं, तुम तो पैरेट्स हो, तो कबूतर बुद्धि नहीं बनना है तो समझो कि ऐसे तो नहीं है कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर ले आवेगा। वो क्या समझते हैं कबूतर और क्या समझाते हैं? वो पब्लिक को समझाते हैं कि भगवान बाप ब्रह्मा के तन में आया और हमको सारा ज्ञान सुना करके ऊपर चला गया, अब हम भगवान बाप से पैगाम लेकर के आ रहे हैं और तुमको दे रहे हैं। हमारा भगवान बाप से डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए हमारी बात मानो। बाप कहते हैं मैं ऊपर बैठ करके कोई किसी को प्रेरणा नहीं देता हूं। नेहरू को भी शौक था, ये भी सिखाते हैं। उनके पांव में लिख करके बांध दो तो कबूतर पैगाम कहीं भी ले जावेंगे। अब पांव में बांध दो या गले में बांध दो, बात तो एक ही है। उन कबूतरों को रोज दाना मिलता है क्या? मंदिर में ही उनको रोज दाना मिलता है तो कहीं भी उनको भटकने की दरकार नहीं है। तुमको भी यहां दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में विश्व की बात चाहिए बैठी हुई है, तुमको तो यही मिलनी है। और वो भी समझते हैं कि दाना यहां ही मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, माना तुम तो मानवीय बुद्धि हो, मनन चिंतन मंथन करने वाले हो, तुमको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। अविनाशी कब बनते हैं? ज्ञान रत्न भी अविनाशी कब बनते हैं? अरे खाया हुआ भोजन चबाएंगे तभी तो खून बनेगा। तो तुम्हें जो भगवान ज्ञान रत्न देते हैं उनका तुम मनन चिंतन मंथन करते हो, कब करते हो? जबकि दूसरों को सुनाते हो तो तुम्हारे अंदर मंथन चल पड़ता है, वो तुम्हारी अपनी चीज बन जाती है। तो कहेंगे तुमको दान मिलता है भगवान से और अविनाशी दान मिलता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि चिड़ियों ने क्या किया, सागर को सुखाई दिया है। शिव बाबा
ज्ञान सागर है या शिव ज्ञान सागर है? है? शिव बाबा ज्ञान सागर है। शिव ज्योति बिंदु को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तो चिड़ियों ने पक्का निश्चय कर लिया था। क्या निश्चय किया? है? सागर में से एक एक बूंद उठाती थी और जमीन पर डाल देती थी, और लंबे समय तक ये प्रक्रिया उनकी चलती रही। सागर से लेना बूंद बूंद और धरणीवासियों को देते जाना। लंबे समय की प्रक्रिया देख करके एक ऋषि को रहम आ गया। तो उन्होंने देखा कि ये चिड़ियां तो एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों तक ये प्रक्रिया में लगी रहेंगी तो भी ये सागर सूखने वाला नहीं है। तो उन्होंने सारा सागर ही पी लिया। सागर सूख गया, लेकिन इस सागर को सुखाने के लिए निमित्त मात्र संकल्प करने वाला कौन हुआ? ऋषि ने संकल्प किया पीने का, सुखाने का, या चिड़ियों ने संकल्प किया? संकल्प का बीज डालने वाला वो बाप कौन हुआ? जनक कौन हुआ? वो चिड़िया बनी। तो बताया कि शास्त्रों में भी एक कथा लिखी हुई है, तुम्हारी यादगार है, कि चिड़ियों ने सागर को सुखाए दिया, हप कर लिया। बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य तो कहते रहेंगे, सत्य वचन महाराज, शास्त्र सुनते जावेंगे, परंतु उसका गुह्यार्थ समझ में नहीं आता है। फिर कहते हैं कि सागर से देवताएं निकले, जो रत्नों की थालियां भर भर करके ले आए, वो भी सुनकर के कहेंगे सत्य। अब समुन्द्र में से देवताएं कैसे निकलेंगे? ये तो कोई चैतन्य ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्न देते हैं उन ज्ञान रत्नों को धारण करने वाले देवता बनते हैं। वो तो समझते हैं कि समंदर में मनुष्य अथवा देवताएं रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। जन्म जन्मांतर झूठ ही झूठ पढ़ते आए हैं और झूठा ही सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि झूठी माया झूठी काया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क होता है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हो, कितनी ग्लानी करते आए हो, सबसे जास्ती ग्लानी के है ईश्वर की, सर्वव्यापी है। ये झूठ बात भी है और बाप की ग्लानी भी है। तुम कितनी युक्ति से समझाते हो ये सर्वव्यापी कहना बाप की ग्लानी है। तुम ये बातें समझाते हो तो फिर कोटों में से कोई की बुद्धि में बैठता है। है तो बहुत सहज है, इसका नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। बाप टीचर गुरु को याद करने पर अपना वर्षा भी याद आ जाएगा। तो फिर अपनी जांच करनी है कि हम सच सच बाबा को याद करते हैं, और कोई तरफ हमारी बुद्धि जाती है? तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ तो मिली है ना,
कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। तुम कोई को भी बैठ समझावेंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। बताओ, शिव बाबा ही तो तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, उनको ही तो याद करना है। परंतु इस रथ को देख करके कितनी ग्लानियां ग्लानी करते हैं, कितनी गालियां देते हैं। तो तुम बच्चों को समझाने की युक्तियां रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर तो बहुत ही चढ़ते हैं, तो बोलो अच्छा ये चित्र मत रखो। जब वो चित्र हटाए देंगे तो आप ही इस बात को मान जावेंगे। बोलो, इस शिव बाबा से तो बहुतों का फायदा हो सकता है ना, तो एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो और संग तोड़ते जाओ, एक संग जोड़ते जाओ। ये हैं किसी के कल्याण की युक्तियां। बोलो कि बाप को याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। तो घर में ही बैठे बैठे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचते रहो, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि हट्टी तो एक ही है, बेचारे कहां जावेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।